And welcome to foc class 11 and 12. in this video we will cover part 2 of java practical for class 11 information technology it code 802 in the previous video we have already discussed about the first two topics creating a new project and jframe form container so in this video we will be discussing about the next topic adding a button component and changing its properties also in the previous video we could not discuss the properties of jframe form so in this video we will be discussing the properties of jframe form also and we will add button component and then discuss about its properties also so let's start we will study about the properties of g frame form as given in your book means according to your syllabus and the properties are default close operation and title so what are the function of these properties means अगर हम ये प्रॉपर्टी सेट करते हैं तो इससे क्या होता है डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जैसे कि उसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये उस एक्शन को सेट करेगा जब यूज़र फॉर्म को क्लोज करेगा तो फॉर्म को क्लोज करने पर क्या एक्शन होना है जे फ्रेम फॉर्म पर वो एक्शन हम डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन से सेट करते हैं देन टाइटल इट सेट्स द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इन द टाइटल बार ऑफ द फॉर्म विंडो मीन्स जो हमारी फॉर्म विंडो है उसका जो टाइटल है वहाँ पर हमें क्या डिस्प्ले करना है क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो हम टाइटल में मेंशन करते हैं सो लेटेस्ट अप्लाई दिस प्रॉपर्टीज टू द जे फ्रेम फॉर्म हेयर इन द प्रॉपर्टीज विंडो यू कैन सी द मेन टू प्रॉपर्टीज ऑफ जे फ्रेम आर डिस्प्लेड हेयर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन सो so, ये प्रॉपर्टी हमें वो एक्शन सेट करने में हेल्प करेगी जो एक्शन क्लोज होने पर लिया जाएगा मीन्स ये जे फ्रेम इस टाइम हम डिज़ाइन कर रहे हैं बट जब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो जो विंडो अपेयर होती है वहाँ पर एक क्लोज बटन होता है तो उस क्लोज बटन का क्या ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन हम यहाँ से सेट करते हैं सो so, ये जो ड्रॉप डाउन गिवन है इसमें आप देख सकते हैं फोर ऑप्शन हैं तो हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिट ऑन क्लोज सेलेक्टेड है अगर आप कुछ और सेलेक्ट करेंगे तो वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिट ऑन क्लोज सेलेक्टेड है देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टाइटल मीन्स जब हम जे फ्रेम की बात करते हैं एंड जब हम इस को रन करेंगे एज एन एप्लीकेशन एज अ प्रोजेक्ट तो जो विंडो अपेयर होती है वहाँ पर एक टाइटल डिस्प्ले होता है तो फिलहाल तो यहाँ पर कोई टाइटल में टेक्स्ट नहीं है तो इसलिए कोई टेक्सट डिस्प्ले नहीं होगा टाइटल में बट अगर आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट एंटर करेंगे तो वही टेक्स्ट आपको वहाँ पर डिस्प्ले होता है जैसे कि अगर हम टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं फॉर्म एंड ये टेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया एंड ये देखने के लिए कि इस टेक्स्ट का क्या एक्चुअल आउटपुट होगा इसके लिए हम एप्लीकेशन रन कर लेते हैं सो यूजिंग द रन बटन आई हैव रन द प्रोजेक्ट एंड नाउ यू कैन सी द रिजल्ट हेयर यू कैन सी इन द टाइटल बार द टाइटल फॉर्म इज डिस्प्लेड सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ टाइटल प्रॉपर्टी मीन्स जब भी आप कोई भी जे फ्रेम सेलेक्ट करते हैं एंड आप उसकी टाइटल प्रॉपर्टी एडिट करते हैं तो जो भी आपने टाइटल में टेक्स्ट दिया है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है अगर आपने वो टेक्स्ट यहाँ पर नहीं लिखा होता जे फ्रेम की जो प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट ये वाली तो क्या होता यहाँ पर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होता सो आई होप आपको ये दोनों ऑपरेशन समझ में आ गए हैं अब हम इस पर इस बटन पर क्लोज पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्लोज़ हो गया क्यों हो गया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड था एग्जिट ऑन क्लोज मीन्स ये बटन सेलेक्ट करने पर क्लोज़ हो गया है सो आई होप ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको एकदम क्लियर हैं नाउ अस प्रोसीड अहेड एंड ऐड द बटन कंपोनेंट टू आवर फॉर्म सो so, आप बटन कंपोनेंट कैसे ऐड करते हैं यहाँ पर जो आपको पैलेट गिवन है पैलेट विंडो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन स्विंग कंट्रोल्स में आपको ऑप्शन दिखेगा बटन सो so, जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर दो तरह के कंट्रोल्स होते हैं पेरेंट कंट्रोल्स एंड चाइल्ड कंट्रोल्स तो ये सभी चाइल्ड कंट्रोल्स हैं एंड ये सभी पेरेंट कंट्रोल्स हैं सो बटन इज़ ऑल्सो अ चाइल्ड कंट्रोल सो so, इसको ऐड करने के लिए आपको बटन पर क्लिक करना है एंड आप देखेंगे बिना ड्रैग करें मींस आपको सिर्फ एक बार क्लिक करना है आपको होल्ड नहीं रखना है क्लिक को बट आप क्लिक करके जब कर्सर को इधर लाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वो बटन यहाँ पर शो हो रहा है तो जहाँ पर भी आपको उसको प्लेस करना है सपोज़ हमें यहाँ पर प्लेस करना है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर प्लेस हो गया है आपको इसको रिसाइज करना है तो आप इस बटन से रिसाइज कर सकते हैं इस रिसाइज हैंडल से एंड जो भी इसकी पोजीशन है वो यहाँ पर शो हो रही है सो नाउ वी विल एडिट द प्रॉपर्टीज ऑफ जे बटन एर शोन हेयर इन प्रॉपर्टीज विंडो यू कैन सी वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ जे बटन आर अवेलेबल हेयर वी विल Study about the properties that are given in your syllabus. These are the properties of J button as given in your book. So प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ थ्री प्रॉपर्टीज गिवन है जे बटन के लिए बट ये प्रॉपर्टीज़ भी आपके सिलेबस में हैं सो so आपको ये प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए सो so us डिस्कस them. these are the properties of J button. First of all we have to discuss about background property. Means यहाँ से आप background color set करते हैं J button का So अगर आप ये three dots पर click करेंगे तो यहाँ पर एक dialog बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर आप कलर चूज कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए जो भी कलर आपको सेट करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हर कलर का स्पेसिफिक कोड है सो so, वही कोड आपको यहाँ पर विजिबल है जो कलर हमने इस टाइम सेलेक्ट किया हुआ है वो ये है एंड इसका कोड यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है अगर आप कोई और कलर सेलेक्ट करेंगे तो उसका कोड वहाँ पर डिस्प्ले होगा एंड वही कलर उस बटन पर अप्लाई हो जाएगा लेटस्ट अप्लाई ब्लैक कलर सो यू कैन सी द कलर इज़ ब्लैक नाउ बट बिकॉज हमारा जो टेक्स्ट था जो डिस्प्ले हो रहा था वो ब्लैक कलर था एंड uh, ये भी हमने ब्लैक कर दिया है बैकग्राउंड सो दैट इज़ वाई अभी हमें कुछ भी टेक्स्ट नहीं दिख रहा है हाउ एवर टेक्स्ट इज प्रेजेंट बट बिकॉज वी हैव मेक इट ब्लैक सो दैट इज़ वाई इट इज नॉट विजिबल लेट अस अगेन मेक इट वाइट सो यू कैन सी नाउ द टेक्स्ट इज अगेन विजिबल देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ फॉन्ट मीन्स ये जो फॉन्ट आपको दिख रहा है इसका क्या फॉन्ट है तो वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा दैन फोरग्राउंड मीन्स ये जो फॉरग्राउंड में कलर है ये कौन सा कलर होगा ये आप यहाँ से सेट करेंगे सो ये ब्लैक है अगर आप इसको वाइट करेंगे तो अगेन आपको ये नहीं दिखेगा क्योंकि बैकग्राउंड का कलर ऑलरेडी वाइट है तो इसीलिए अगर आपको कलर चेंज करना है यहाँ पर तो आप चूज कर सकते हैं सपोज हम रेड ले लेते हैं सो यू कैन सी जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पर फोरग्राउंड में उसका कलर चेंज कर दिया है अगर आपको वापस से वही कलर करना है तो आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन री स्टोर टू डिफॉल्ट सो अगेन इट हैज़ बीन मेड ब्लैक देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ टेक्स्ट सो so, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है बटन के ऊपर वो टेक्स्ट आप यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर जे बटन वन लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर जे बटन वन डिस्प्ले हो रहा है आप कुछ और लिखेंगे तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हॉरिजोंटल अलाइनमेंट मीन्स अगर हम इस बटन को जैसे कि हमने इसे रिसाइज किया था हमने इसका साइज इंक्रीज किया था तो ये बटन बड़ा हो गया बट जो इसका टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर होने की वजह से अभी तक सेंटर में है अगर हम इसका अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी में जो ड्रॉप डाउन एरो है अगर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं तो आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट में चला गया क्योंकि हमने इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चेंज कर दिया अगर हम वापस से इसको सेंटर कर देते हैं तो ये फिर से सेंटर में आ जाएगा

इस टाइम ये कंपोनेंट वर्क कर रहा है अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा सो आई होप ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ जे बटन आर क्लियर टू यू So that was all for today. Till now we have discussed the first three topics of practical. We created a project, we created a JFrame form container, then we added a button to it. We discussed about the properties of JFrame and J button also. So I hope all these are clear to you. If you have any confusion, please ask me in the comment section. I will answer your query there. In the next video, we will study about the next topic. if you want to purchase class 12 it code 02 sample paper book the links are given in the description we'll meet you soon in the next video till then bye-bye